हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देवंती ऑफिशियल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी थोड़ा थोड़ा अच्छी हूँ, थोड़ा थोड़ा अच्छी नहीं भी हूँ क्योंकि खांसी हो गया है, बस ठीक हो जाएगा, ज़्यादा नहीं हुआ है। और आज हम लोग प्याज रोप रहे हैं क्योंकि कल मंगल हटिया था, तो मेरे मम्मी पापा लोग गए थे हटिया से प्याज लेके आए हैं, तो वही आज हम लोग रोप रहे हैं। प्लस आज दुख का बात यह है कि आज लाइन भी कटा है, इसीलिए बाल्टी से ढो ढो के ला रहे पानी और दे रहे हैं, और टिया प्याज रोप रही है। और अभी रात से ही हम लोग का लाइन कटा हुआ है, और अच्छा बात ये है कि लाइन कटा है तो क्या हुआ, लेकिन रात को बहुत ज़्यादा पानी आया था इसलिए ज़्यादा मेहनत नहीं लग रहा, एक बाल्टी डालने पे हो जा रहा। तो आप लोग ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए, देखिए टिया कैसे प्याज रोपती है। लाइन आ गया, अब हम जा रहे हैं नाली करने के लिए, डायरेक्ट यहाँ पानी आएगा, अब ढो ढो के लाना नहीं पड़ेगा। बहुत मेहनत के बाद आया है लाइन, इतना मेहनत करवा लिए भगवान जी, उसके बाद लाइन दिए। वैसे कोई दिक्कत नहीं, लाइन तो दे दिए ना, अब हम नाली करने के लिए जा रहे हैं। मम्मी का लाइक कर दीजिए, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, प्याज रोपी हूँ सब, मैं नानी और हम ये सारे प्याज रोपी हूँ। तो फ्रेंड, आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग को कोई लेडीज या गांव की कोई देख रही होगी आंटी सब, तो उन लोगों के मन में एक तो सवाल आता होगा कि प्याज कैसे किलो दिया है। तो मेरी मम्मी बताएगी कि प्याज कैसे किलो दिया है, मंगल हटिया से लाई है, कि प्याज कैसे किलो दिया हुआ है और कैसा प्याज हम लोग लाए हैं, प्याज का क्या बोलते हैं इसको, गाछी, बताएगी मम्मी। 30 रुपया धोवा वाला, माटी वाला 20 रुपया, धोवा डबल वाला 30 रुपया और माटी वाला 20 रुपया। तो आप लोग सुन लिए ना, जिसको जिसको भी 35 रुपया किलो, 30 किलो, 30 रुपया जिसको, मतलब कि जो मम्मी लाई है वो धोया हुआ प्याज गाछी है वो लिया है 30 रुपया किलो, और जो मिट्टी वाला मिल रहा था वो मिल रहा था 20 रुपया किलो। तो जिसको जिसको भी प्याज गाछी अगर 30 रुपया किलो लेना तो मंगल हटिया में जाकर ले सकता है मंगलवार को। कल मेरी मम्मी लोग गई थी, आज बुधवार है, मैं ब्लॉग कब डालूंगी अभी कोई आता पता नहीं है, तो ब्लॉग में कंटिन्यू रहिए। इधर देखिए मैं प्लास्टिक मैन हूँ, पीहू है, थोड़ा सा कलाकार टाइप की है, हमेशा कुछ ना तो कुछ कलाकारी करते रहती है। अभी इसके कलाकारी देखिए, मेरा पैर में नहीं लगेगा कीड़ा। इतना दूर दूर में ठीक है हुआ।
देखिए भैंस, दूर से पानी ना लाना पड़े इसलिए मम्मी यहाँ गड्ढा कर दी है, यहाँ से ढो ढो के ले जाने में आसानी होगा इसीलिए। ऐसे तो हम लोग प्याज उधर रोपते हैं, बट अभी उधर नहीं रोपे हैं क्योंकि अभी उधर आलू ठीक से हुआ नहीं है, आलू कोड़ा आ जाएगा उसके बाद उधर रोपे। एक मुठा प्याज गाछी ये खोली है स्पेशल अपने लिए, और अभी क्या करने लगी है, बदमाशी करने लगी है। ये बदमाशी ना रही ना तुमको, चलो डुबा डुबा के नहाएंगे। चलो तुम बोली कि हम रोपेंगे तो फिर ये क्या कर रही है, ऐसा ही करते हैं। रुको अभी हम नहाए हैं तब हमको प्याज रोपने के लिए नहीं आता है, फिर भी ये मेरा फर्स्ट टाइम कोशिश है, देखते हैं कैसा होता है। वैसे तो मम्मी हर बार रोपती है तब हम भी यहीं रहते हैं, लेकिन कभी ट्राई नहीं किए, ऐसे ही पानी ढोते हैं या फिर बच्चा लोग को लेकर रहते हैं या फिर वीडियो ऐसा बना बना कर रहते हैं, लेकिन आज ट्राई कर रहे हैं रोपने का। ऐसे भी किसी को तो विश्वास होगा ही नहीं कि हम प्याज रोप रहे हैं, सबको सोचता हम प्याज रोपने का वीडियो बनाने के ज़्यादा है, और बात सही भी है, बुलाने का तो शायद हम कोशिश भी नहीं करते रोकने का। देखते हैं टिया इतना और टीहू इतना अच्छा रोक पाते हैं कि नहीं। तो हाय फ्रेंड्स, हम नहा धो के रेडी हो गए हैं और प्याज रोपने के लिए भी हो गया, और अभी शाम हो गया, तो आप सबको गुड इवनिंग। अब बहुत ठंड भी लग रहा है, तो ब्लॉग को यहीं पर समाप्त करते हैं, ब्लॉग को ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे। तो आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, और मेरा इंस्टा आईडी है देवंती मातो, तो आप उसमें भी जाके हमको फॉलो कर लीजिए। और अभी के लिए बाय बाय, थैंक यू।